हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, अगर आपको कनाडा जाना है जल्दी तरीके से 10 दिन में, देखिए इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम मूव टू कनाडा इन 10 डेज, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही अच्छी स्कीम है फ्रेंड्स। इसमें देखिए क्या करना है फ्रेंड्स, पहले तो मैं इस साइट का धन्यवाद देना चाहूँगा। ये साइट है फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया साइट है। आप लोग अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको कनाडा की चाहिए यहाँ से ले सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें पढ़ेंगे, देखिए इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम मूव टू कनाडा इन 10 डेज़। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। IMP, ठीक है, IMP है, इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम, ठीक है, कनाडा का है ये फ्रेंड्स। अब ये क्या है फ्रेंड्स, हम इसको पढ़ेंगे। देखिए, कनाडाज वर्क मार्केट हैज बीन सिवियरली स्ट्रेन इन द रिसेंट पास्ट ड्यू टू वेरियस रीजंस, ठीक है, कि वहाँ की जो वर्क मार्केट है काफ़ी उसमें दिक्कतें आई हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि बाहर से इमिग्रेंट्स आए काम करने के लिए वहाँ पे। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं फ्रेंड्स। पहले अब आते हैं कि ये इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम क्या होता है। देखिए, ये है वन ऑफ द सच सॉल्यूशंस अडॉप्टेड बाय कनाडा बाय हायरिंग फॉरेन वर्कर्स टू फिल द ओपन जॉब पोजीशन, इशूइंग देम टेम्प्रेरी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एट ऑल स्किल लेवल्स। मतलब अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं और आपके पास टैलेंट है तो कनाडा आपको अच्छी जॉब देगा। देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि लिखा है कि इस प्रोग्राम के जरिए, IMP के जरिए, कनाडा के जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो वहाँ की कंपनीज हैं, वो इंटरनेशनल वर्कर्स को टेम्प्रेरी बेसिस पे हायर करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, थ्रू लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। लिमिया मेरा वीडियो दिखेगा, अगर आपको डाउट है तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं लिमिया पे नहीं आऊँगा, मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो। अब देखिए, इसका IMP जो है, इसका इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम का एडवांटेज क्या है, 10 दिन में आपका सारा प्रोसेस हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें लिखा है कि दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट फॉर एग्जाम्पल टू द कैनेडा टेम्प्रेरी फॉरन वर्कर विच रिक्वायर्स इन लिमिया एंड ऑल्सो लेबर मार्केट डिपेंडेंट। देखिए, ये बोल रहे हैं कि जो ये IMP है, 10 दिन में आप प्रोसेस करके आप कैनेडा जा सकते हैं, ठीक है। देखिए दूसरे में क्या लिखा है कि जो जिनका एप्लीकेशन सक्सेसफुल रहेगा वो एक कैनेडियन ओपन वर्क परमिट इन 2 वीक्स, 2 हफ्ते में मिल जाएगा, जो उनको एलिजिबिलिटी देगा किसी भी वहाँ पे एम्प्लॉयर के लिए काम करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए और क्या लिखा है, द IMP हेल्प्स फॉरन वर्कर्स क्वालिफाई फॉर परमानेंट रेजिडेंस इन कैनेडा। मतलब आपको PR भी मिल सकती है फ्रेंड्स, सोचिए PR भी मिल सकती है वहाँ पे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें कौन कौन से लोग जो एलिजिबल हैं वो हम देखेंगे इसमें, ठीक है। वर्कर्स हु आर एलिजिबल फॉर द इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम इंक्लूड द इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कैनेडा IEC प्रोग्राम में जो है, इसमें एज लिमिट है फ्रेंड्स आपकी 18 to 35 आपकी होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान दीजिएगा। और देखिए ये कंडीशंस भी हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको 10 दिनों में कनाडा जाना है तो इस प्रोग्राम को बहुत ही अच्छा है आपके लिए, ये प्रोग्राम आप इसमें करिए, अप्लाई करिए IRCC। और फ्रेंड्स देखिए, हमेशा ऑफिशियली करिए, ये फ्रॉड एजेंट्स के चक्कर में मत आइए, आपके पैसे तो बर्बाद होंगे ही, आपकी बेइज्जती भी होगी, क्योंकि देखिए अभी 700 स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया गया है, तो आप भी एक दिन वहाँ से डिपोर्ट हो जाएंगे अगर आप फ्रॉड चीज़ों के हेल्प लेंगे। खुद करिए फ्रेंड्स, खुद करेंगे कॉन्फिडेंट रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।